नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। सबसे पहले नजर इस हफ्ते के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के योगदान को याद किया। राजस्थान के बीकानेर स्थित जोड़बीड़ आरक्षित वन में विलुप्त प्राय भारतीय गिद्धों तथा अप्रवासी गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी। राजस्थान के सरिस्का में प्रायोगिक खगोल विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार गेट वेधशाला आरंभ। स्कूल जाने वाले छात्रों में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति अभिरुचि विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने टेक्नोवेशंस का आयोजन किया। सबसे पहले हमारी मुख्य खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने नई दिल्ली में सेलिब्रेटिंग इंडियन वुमेन इन साइंस एंड इनक्रेडिबल जर्नी नामक प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी का उद्देश्य 19वीं सदी के अंत से अब तक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के योगदान को याद करना था। प्रदर्शनी में कहानियों के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन कर युवाओं को प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया गया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। देश के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यापार हो या विज्ञान, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। वर्षों से महिलाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित यानी स्टेम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। देश के पूरे ताने बाने में उनका अहम योगदान है तथा कई लोगों के लिए वो प्रेरणा की स्रोत रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेलिब्रेटिंग इंडियन वुमेन इन साइंस एंड इनक्रेडिबल जर्नी नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में महिलाओं के योगदान की कहानी तस्वीरों में बयां की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप तथा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष एनएन वोहरा ने किया। रोल ऑफ वुमेन इन एनी फील्ड विद इन द कंट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वुमेन आर इक्वल पार्टनर्स। इफ यू सी द थीम फॉर आवर इंटरनेशनल वुमेन्स डे दिस ईयर इज बैलेंस फॉर बेटर एंड आई थिंक दैट्स रियली द बैलेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इट्स नॉट जस्ट हैविंग वुमेन, इट्स हैविंग अ प्रॉपर जेंडर डाइवर्सिटी। व्हाटएवर यू डू, ensuring that women are equal partners because they are contributing equally. So just move on, just be part of the entire ecosystem and there's lots that you can do and contribute to this whole area. प्रदर्शनी में 40 ऐसी महिला वैज्ञानिकों की कहानी दर्शाई गई जो भारत के वैज्ञानिक समुदाय की सदस्य थी और जिन्होंने देश में विज्ञान के विकास के लिए विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इस दौरान विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इस अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया जो भारतीय महिला वैज्ञानिकों की अद्भुत कहानियों का एक संग्रह है। पुस्तक में अन्ना मणि, जानकी अम्मल, आशिमा चटर्जी तथा कई प्रसिद्ध महिलाओं की कहानियां शामिल की गई हैं। एक अन्य समारोह में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए 8 तथा 9 मार्च को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय वनस्पति जीनोमिकी अनुसंधान संस्थान यानी NIPGR में DBT बायो केयर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम यानी बायो केयर के द्वारा भारत सरकार महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान एवं विकास की योजनाएं उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने से लेकर अपने कामकाज में विराम देने वाली महिलाओं को फिर से अनुसंधान की मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कॉन्क्लेव ने इस योजना से लाभान्वित महिलाओं को एक मंच प्रदान किया जहां उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी सफलता की कहानियां साझा की। कॉन्क्लेव में देश भर की करीब 200 महिला वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस दौरान बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिकों को जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कारों से सम्मानित किया। आज की तारीख में जीवन के हर पहलू में महिलाओं का योगदान जारी है। देश में विज्ञान के विकास के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं।
भारतीय गिद्ध वर्ष 2002 से ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की विलुप्त प्राय पक्षियों की सूची में शामिल है। मवेशियों के इलाज में डाइक्लोफेनक नामक दवा के इस्तेमाल से इस मांसाहारी पक्षी की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। ऐसे मवेशियों के मृत शरीर को आहार बनाने पर गिद्धों का गुर्दा काम करना बंद कर देता है। संरक्षण की लगातार कोशिशों और मवेशियों के रोगों के इलाज में इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के जोड़ बीड़ आरक्षित वन में न सिर्फ स्थानीय गिद्धों की संख्या में बल्कि अप्रवासी गिद्धों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पेश है बीकानेर के जोड़ बीड़ आरक्षित वन से ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर का जोड़बीड़ वन संरक्षित क्षेत्र देसी और प्रवासी गिद्धों को खूब रास आ रहा है। ये इलाका मृत पशुओं का डंपिंग क्षेत्र होने के अलावा पारिस्थितिकी के लिहाज से भी गिद्धों के रहवास के काफी अनुकूल है, इसलिए यहाँ गिद्धों की आबादी काफी तेजी से फल फूल रही है। गिद्ध पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं। ये मृत और सड़ रहे पशुओं के शवों को अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रकार मिट्टी में खनिजों की वापसी की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मृत शवों को समाप्त कर वे संक्रामक बीमारियों को फैलने से भी रोकते हैं। डेढ़ दशक पहले तक भारतीय गिद्ध विलुप्ति के कगार पर थे। भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी तादाद में 95% तक की कमी आ गई थी। इसके पीछे थी डाइक्लोफिनेक दर्द निवारक दवा, जो एक गैर स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा है। ये दवा कामकाजी पशुओं के जोड़ों का दर्द कम करने के लिए दी जाती थी, जिससे जानवरों को अधिक समय तक उपयोगी बनाया जा सके। इस दवा का असर पशुओं में मरने के बाद भी बना रहता है। गिद्ध मुर्दाखोर होते हैं, इसलिए जब भी वे मरे हुए पशुओं को खाते हैं तो डाइक्लोफिनेक संदूषित मांस का सेवन करने से उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस दवाई के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए 2006 से डाइक्लोफिनेक दवाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन विलुप्ति के कगार से इन्हें बचाने के लिए इनका प्राकृतिक रहवास और कुदरती दुनिया का माहौल दिया जाना जरूरी है, जो इन्हें जोड़बीड़ में मिल रहा है। और गिद्धों के संरक्षण के कार्यक्रमों की वजह से यहाँ गिद्धों की तादाद लगातार बढ़ रही है। गिद्धों की संख्या जो प्रवासी पक्षी है वो हर साल लगभग बढ़ रही है, 5-7%। इनकी संख्या जो है अभी आज की तिथि में जो स्थानीय गिद्ध हैं इजिप्शियन वल्चर, वो करीब 3-3.5 हज़ार के हैं। डाइक्लोफिनेक दवा पर प्रतिबंध लगाने और गिद्धों के संरक्षण के विशेष उपायों से जोड़बीड़ वन संरक्षण क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ स्थानीय गिद्ध इजिप्शियन वल्चर काफी संख्या में है। कभी कभी लॉन्ग बिल्ड वल्चर व व्हाइट रम्प्ड वल्चर भी देखे जाते हैं। प्रवासी गिद्धों में स्पेन, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की से आने वाले यूरेशियन ग्रिफिन, मंगोलिया और तिब्बत से सिनेरियस तथा मध्य एशिया से हिमालयन ग्रिफिन प्रजाति के गिद्ध जोड़बीड़ में हर साल आते हैं। गिद्ध 6 साल के होने पर प्रजनन करते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से भी आधे यानी 50% ही बच पाते हैं। ऐसे में इनका संरक्षण और प्रजनन बेहद महत्वपूर्ण है। 56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जोड़बीड़ वन संरक्षण क्षेत्र देसी गिद्धों के साथ साथ प्रवासी गिद्धों को भी खूब रास आ रहा है। यहाँ उनके खाने पीने और आराम करने का समुचित प्रबंध है। संरक्षित क्षेत्र होने की वजह से उनके पास यहाँ प्रजनन के लिए काफी अवसर होते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दशक में इनकी संख्या में और वृद्धि होगी और कुदरत के सफाई कर्मचारी हमारे पारिस्थितिक तंत्र को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक से लौटने पर हम आपको राजस्थान के सरिस्का ले चलेंगे, जहां स्टार गेट वेधशाला तथा संग्रहालय आरंभ किया गया। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
रात में आकाश दर्शन करने वालों तथा खगोल विज्ञान का अध्ययन करने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। आम लोगों में खगोल विज्ञान को प्रोत्साहन करने तथा स्कूल जाने वाले छात्रों में तारों के अध्ययन की आदत विकसित करने के लिए राजस्थान में अलवर से थोड़ी दूर सरिस्का में स्टार गेट वेधशाला तथा संग्रहालय आरंभ किया गया है। ये वेधशाला वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न अवलोकन गतिविधियां उपलब्ध कराता है, जिसमें आकाशीय पिंडों की प्रायोगिक जानकारी के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। यहाँ अंतरिक्ष की फोटोग्राफी करने के लिए बिल्कुल सटीक रात्रि आकाश उपलब्ध होता है। पेश है सरिस्का से ज्ञान विज्ञान की ये दिलचस्प रिपोर्ट। रात के अंधेरे में ब्रह्मांड में हजारों रहस्य छिपे होते हैं। पूरा आकाश रोशनी पुंजों से जगमगाता रहता है। टेलीस्कोप की मदद से तारों, ग्रहों तथा चांद को देखने का यही सबसे उपयुक्त समय होता है। विशेषकर अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले शौकीनों तथा छात्रों के आकाश दर्शन के लिए भारत में कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आकाश की सर्वश्रेष्ठ गतिविधियां उपलब्ध कराते हैं। ऐसा ही एक स्थान राजस्थान में अलवर शहर के बाहर स्थित सरिस्का है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह स्थान शहर की रोशनी तथा प्रदूषण से मुक्त है तथा यहाँ से स्पष्ट आकाश दिखाई देता है। आम लोगों में खगोल विज्ञान को प्रोत्साहित करने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए हाल में राजस्थान स्थित सरिस्का के अलवर बाग में स्टार गेट वेधशाला तथा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। वेधशाला की स्थापना का उद्देश्य खगोलीय अवलोकन गतिविधियों द्वारा अंतरिक्ष संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। स्टार गेट का संचालन अनुभवी खगोल वैज्ञानियों, विज्ञान संचारकों तथा शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है। The idea of Stargate Observatory is to provide a platform where people can actually address this curiosity. They can actually, we have proper curated experiences where anyone can come watch far away distant galaxies, nebulas, star clusters. स्टारगेट रात में आकाश दर्शन तथा ब्रह्मांड के अध्ययन का जरिया है। वेधशाला में हाइपर स्टार इमेजिंग के साथ 8 इंच का रोबोटिक गोटो टेलीस्कोप लगा हुआ है। इससे आकाश गंगाओं, निहारिकाओं, तारों के झुंडों, ग्रहों, उल्कापात तथा चंद्रमा का विस्तृत अवलोकन किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले अवलोकन उपकरणों से ओराइन नेबुला, एंड्रोमेडा और तारों के झुंडों को देखा जा सकता है। खगोल विज्ञान के शौकीन ग्रहों में शनि तथा उसके रिंग, बृहस्पति तथा उसके चंद्रमाओं को देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संग्रहालय की विशेषता गड्ढों तथा एक छोटे रोवर रोबोट के नमूने के साथ मंगल ग्रह को दिखलाना भी है। संग्रहालय में हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। इस श्रृंखला में पिछले 25 वर्षों में टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों की यात्रा दिखाई गई है, जिनसे अंतरिक्ष के वातावरण के बारे में जानकारी मिलती है। छात्र तथा आम लोग पेलोड के साथ मंगलयान जैसे मॉडलों के द्वारा भी खगोल विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खगोल विज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए संग्रहालय में अंतरिक्ष फोटोग्राफी के द्वारा आकाशीय निकायों तथा आकाशीय घटनाओं की जानकारी देने की व्यवस्था है। अंतरिक्ष फोटोग्राफी एक नया प्रकार है जिसमें DSLR कैमरे या टेलीस्कोप के द्वारा तारों के परिदृश्य तथा सुदूर आकाशीय वस्तुओं की तस्वीरें खींची जाती हैं। We have designed lot of in-house curriculums specializing in astronomy education, not just stargazing but other concepts also. For example, when students learn about rockets, we actually we deal the concepts of aerodynamics, Newton's laws and all those things, but in the end students actually design and launch a rocket. Stargate वेधशाला भारत में अपने प्रकार की पहली वेधशाला है जो पर्यटकों, फोटोग्राफरों, स्कूली छात्रों तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। वेधशाला छात्र स्तरीय वैज्ञानिक परियोजनाएं तथा देश भर में विभिन्न स्कूलों के लिए अवलोकन परियोजनाएं भी आयोजित करती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपने वार्षिक तकनीकी महोत्सव ट्रिस्ट 2019 में टेक्नोवेशंस नामक अनुसंधान प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूल जाने वाले छात्रों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुसंधान करने की अभिरुचि विकसित करना था।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब तथा गुजरात के 200 से अधिक स्कूली छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है, युवा पीढ़ी को ये जानकारी जरूर देनी चाहिए ताकि उसमें दैनिक जीवन की समस्याओं को विज्ञान के द्वारा दूर करने की क्षमता विकसित हो। स्कूल स्तर पर छात्रों के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रसार न सिर्फ विज्ञान संचार को प्रोत्साहन देता है बल्कि छात्रों के लिए भी प्रेरणादायक होता है। उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वार्षिक तकनीकी महोत्सव ट्रिस्ट 2019 में लियो प्लानिटेरिया एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए टेक्नोवेशंस नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों की कल्पनाशीलता को अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी के साथ समन्वित कर प्रोत्साहन देना था। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब तथा गुजरात के 200 से अधिक बच्चों ने आकलन करने वाली टीम को अपने विचार ऑनलाइन भेजे। इस टीम में IIT से जुड़े लोग भी थे। इनमें 70 स्कूलों को प्रतियोगिता के अंतिम चरण के लिए चुना गया, जो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चरण था। इस चरण में छात्रों ने मॉडल प्रोजेक्ट तथा नमूनों के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रत्येक स्कूल से 9वीं तथा 10वीं कक्षा के 2 छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। टेक्नोवेशंस ये एक नया इवेंट है जिसमें बच्चों से उनके इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट एरिया में आइडियाज़ मंगवाए गए थे, जिसको IIT दिल्ली के छात्रों ने पहले उसकी स्क्रूटिनी की और फिर उसके जज के तौर पर हम लोग यहाँ पे आए हुए। हमने आज कई सारे प्रेजेंटेशन देखे जो बच्चों ने प्रेजेंट किए और उसमें कई नए नए आइडियाज़ उन्होंने शोकेस किए, उन्होंने बताए, जिसमें वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रंक एंड ड्राइव के ऊपर कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करके अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। टेक्नोवेशंस ने छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां वो अपनी कल्पनाशीलता को प्रौद्योगिकी के साथ मिश्रित कर सकते हैं ताकि हमारा भविष्य तय करने वाली संभावनाएं विकसित हों। छात्रों के लिए अपनी सोच प्रदर्शित करने की ये एक अनोखी पहल थी। उनकी कल्पनाशीलता का आकलन IIT तथा अन्य संस्थानों के प्रोफेसर, वैज्ञानिक तथा विज्ञान संचारक जैसे प्रतिष्ठित लोगों के समूह ने किया। ये प्रतियोगिता वर्ष 2017 में आरंभ की गई थी, जिसका आयोजन हर वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वार्षिक तकनीकी महोत्सव के दौरान किया जाता है। 9th क्लास, 10th क्लास एंड 11th क्लास, ऑल दीज 3 क्लासेस और डिफरेंट स्कूल, नॉट ओनली दिल्ली NCR और इवन आगरा से भी बच्चे आए थे। सेलेक्ट हुआ था उनका एब्स्ट्रैक्ट, तो वो भी वहाँ यहाँ पे आए थे। अच्छे आइडियाज उन्होंने प्रेजेंट किए, जैसे किसी ने पॉस्चर के बारे में, पॉस्चर डिफेक्ट के बारे में हमें पता चल सकता है, क्योंकि कई बच्चे कंप्यूटर के सामने ही बैठे होते हैं या कई MNCs में जब काम करना होता है तो उनका पॉस्चर डिफेक्टिव हो जाए तो उनको बैक पेन होगा या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। अगर इतने ब्राइट बच्चे इतने अच्छे आइडियाज़ के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके जाएंगे आगे, तो डे इज़ नॉट फार, हमारा भारत और अग्रसर करेगा इस फील्ड में। इस दौरान लियो प्लानिटेरिया एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने छात्रों को डिजिटल मोबाइल प्लानिटेरियम की सहज तथा अनोखी अवधारणा से भी अवगत कराया। ये मोबाइल प्लानिटेरियम खगोल विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञान की दिलचस्प तरीके से जानकारी देता है। प्रतियोगिता में छात्रों ने प्रौद्योगिकी के उद्भव, शिक्षा के नए तरीके, अनुसंधान का विज्ञान तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े नए तथा दिलचस्प विचार प्रस्तुत किए। वक्त है एक और ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। अधिकतर छात्रों को मालूम है कि धरती की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल तथा कोर। इसके अलावा ये अंदरूनी तथा बाह्य कोर में बटे हैं। लेकिन हाल ही में एक खोज में अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती की मेंटल परत में विशाल पर्वत है।
वैज्ञानिकों ने बोलीविया में आए भयानक भूकंप के आंकड़ों का अध्ययन किया और धरती से 660 किलोमीटर नीचे की परत पर पर्वत तथा अन्य भौगोलिक आकृतियों की जानकारी प्राप्त की, जो ऊपरी तथा निचली परत को विभाजित करते हैं। ये खोज साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। मंगल ग्रह की कक्षा में स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के उपग्रह से मिले आंकड़ों में मंगल ग्रह पर पहली बार प्राचीन भूजल प्रणाली की भूगर्भीय जानकारी मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोपीय तथा अमेरिकी उपग्रहों से मिले गड्ढों की तस्वीरें बताती हैं कि किसी समय मंगल ग्रह पर विशाल झीलें रही होंगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में दर्जनों किलोमीटर गहरे गड्ढों में झीलों के आकार की घाटियां तथा पंखों के आकार की परतें देखी गई हैं। इस तरह के आकारों के बनने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये खोज जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च में प्रकाशित हुई है। शनिवार की सुबह स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मानव रहित ड्रैगन रॉकेट प्रक्षेपित किया। ये अभियान मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मुकाम है, क्योंकि इस प्रयोग का लक्ष्य इंसानों को अन्य ग्रहों पर बसाने का है। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 ने कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी। यहीं से चंद्रमा पर इंसानों को ले जाने वाला अपोलो 11 अभियान प्रक्षेपित हुआ था। ये अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाला पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान तथा इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा आरंभ करने वाले युग का आरंभ है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अकादमिक शोध के लिए दुनिया के विशालतम तथा सबसे प्रभावशाली एल्जेवियर का सब्सक्रिप्शन समाप्त करने का फैसला किया है। अकादमिक प्रकाशन की लागत अत्यधिक होने के कारण ये कदम उठाना पड़ रहा है। अकादमिशियनों को अक्सर अपने शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए एल्जेवियर को भुगतान करना पड़ता है। अगर वो चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी उनका शोध पत्र मुफ्त में पढ़े तो इसके लिए उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है। प्रति शोध पत्र उनका शुल्क काफी अधिक है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ज्ञान तथा सूचनाओं को हर आम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा पायलट यूरी गैगरिन को। उनका जन्म 9 मार्च 1934 को रूस के मॉस्को में हुआ था। यूरी गैगरिन ने 12 अप्रैल 1961 को धरती की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने ये अंतरिक्ष यात्रा सोवियत संघ के वोस्तोक अंतरिक्ष यान से की थी। सोवियत संघ के इतिहास में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए उन्हें सोवियत संघ के हीरो के खिताब से नवाजा गया। 27 मार्च 1968 को महज 34 वर्ष की आयु में एक प्रशिक्षण जेट MiG-15 विमान हादसे में उनका देहांत हो गया। उनकी याद में हर वर्ष फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल यूए गैगरिन स्वर्ण पदक पुरस्कार देता है। 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान की तारीख को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।